अगर आपके दिल में अच्छाई है और मन में विश्वास है तो दोस्ती और भरोसा किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो एक खूंखार ड्रैगन ही क्यों ना हो। बस आपको अपने ड्रैगन को ट्रेन करना आना चाहिए। दुनिया भर के सबसे पॉपुलर एनिमेटेड मूवी सीरीज में से एक हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ग्लोबली, क्रिटिकली और फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल रही है, जिसमें इस सीरीज की तीनों मूवीज ऑस्कर के बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हो चुकी हैं। यही कारण है कि हमारे सब्सक्राइबर्स में भी बहुत सारे लोग इस सीरीज के फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, जिन्होंने पिछली कम्युनिटी पोस्ट में इस टॉपिक को वोट किया था। साथ ही साथ कई लोगों ने हमें इस टॉपिक को बार बार कमेंट करके सजेस्ट किया है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही ऑसम टॉपिक को हमें सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के हिसाब से इन मूवीज के अंदर कौन कौन सी चीजें बदली गई हैं, वहीं पर इन मूवीज के एनिमेटर्स को फ्लाइट स्कूल क्यों ज्वाइन करना पड़ा था, टूथलेस को किन किन रियल लाइफ जानवरों पर मॉडल किया गया है और मूवी में कहां कहां और कौन कौन सी चीजें पहले अलग ढंग से दिखाई जानी थी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ट्रिलॉजी लूजली बेस्ड है इसी नाम की बुक सीरीज पर। इसे इंग्लिश राइटर क्रिसिडा कुवेल ने लिखा है। अब ये कहानी लूजली क्यों बेस्ड है? एक्चुअली बुक्स की कहानी पहले मूवी के बिल्कुल एक्यूरेट बनाई जा रही थी, लेकिन मूवी को इंटरेस्टिंग रखने के लिए कई सारी चीजों को बदला गया है। वीडियो में बने रहिए और आपको ऐसे ही कई सारे डिफरेंसेस के बारे में पता चलने वाला है। जितनी मेहनत लाइव एक्शन मूवी में की जाती है, मेरे हिसाब से उससे कहीं ज्यादा मेहनत एनिमेटेड मूवीज में करनी पड़ती है। इसीलिए अपने क्रिएचर्स को ऑथेंटिक और लेजिटिमेट दिखाने के लिए हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की एनिमेटेड टीम ने बकायदा एक फ्लाइट स्कूल में एडमिशन लिया, जहां पर प्लेन के एरोडायनामिक्स और फ्लाइट पैटर्न्स को समझकर ड्रैगन के फ्लाइट पैटर्न्स को मॉडल किया गया है। यही कारण है कि ड्रैगन्स की फ्लाइट के दौरान लूप्स, एरोबेटिक मैन्यूवर्स और रोल्स मूवी में बिल्कुल एक सेल प्लेन की तरह लगे। यही नई एनिमेटेड टीम इस फ्लाइट स्कूल से ग्रेजुएट तक हुई। टूथलेस की प्रजाति नाइट फ्यूरी नॉवेल्स के अंदर साइज में मूवीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है और वो ऑलमोस्ट टेरेबल टेरर के साइज और लुक का है, जहां पर उसका भी कलर ग्रीन है, लेकिन मूवीज के अंदर उसके साइज को बढ़ा दिया गया ताकि इसके मेन हीरो हिकप को उसकी सवारी करते हुए दिखाया जा पाए। वैसे मूवीज के अंदर टूथलेस के बिहेवियर को कैट्स, डॉग्स और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, वहीं पर उसके लुक्स और रिजेम्बलेंस जायंट सेमलैंडर एम्फीबियन पर मॉडल किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूथलेस की पर्सनैलिटी को बहुत हद तक एक कैट पर भी मॉडल किया गया है, यही कारण है कि दुनिया भर के बहुत सारे लोग पहली मूवी के पॉपुलर होने के बाद ब्लैक कैट्स को अडॉप्ट करने लगे और बहुत सारे लोग इन बिल्लियों का नाम टूथलेस रखने लगे। अब बस भैया उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने चढ़ के सवारी न की हो, वरना सारी की सारी टूथलेस लाइफलेस हो गई होंगी। इस मूवी ट्रिलॉजी के अंदर ड्रैगन्स की अलग अलग प्रजातियां दिखाई गई हैं, जहां पर इनके साउंड्स को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉमनली ड्रैगन्स के रोर को एलिफेंट, सील, टाइगर, हॉर्स और घरेलू बिल्लियों की आवाज को मिलाकर बनाया गया है। वहीं पर टूथलेस की प्रजाति नाइट फ्यूरी की आवाज में ह्यूमन साउंड्स को भी इंक्लूड किया गया है, जहां पर इस मूवी के साउंड डिजाइनर रैंडी थॉमस ने कई जगहों पर अपनी आवाज दी है। वहीं पर टेरिबल टेरर्स की आवाज को कॉटन ग्रोव ऑरेगन अमेरिका की पेको द चिवावा ने दिया है। जहां पर इस मूवी की साउंड डिजाइनर निया हैंसन ने पेको का वीडियो यूट्यूब पर देखा था और वहीं से उन्होंने इसके ओनर को कांटेक्ट किया। यही नहीं, पेको को अपने काम के लिए $100 भी मिले। अगर चीजें बुक्स के हिसाब से ही होती तो हो सकता है कि ड्रैगन्स आपको बात करते हुए दिखते। जी हाँ, बुक्स के अंदर ड्रैगन्स का खुद का लैंग्वेज भी होता है, जहाँ पर ड्रैगन्स इसका इस्तेमाल एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में करते हैं, लेकिन मूवीज के अंदर इन्हें नॉन ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंट दिखाने के लिए ड्रैगन के लैंग्वेजेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। वैसे ये चीज अगर मूवीज में इंक्लूड की जाती तो ये देखने में और मजा आता कि क्या हिकअप ड्रैगन्स की लैंग्वेज भी सीखता है। इस मूवी का लास्ट सीन जिसमें हिकअप अपने एम्पुटेटेड पैर के साथ अपने गांव को देखता है, इस चीज को लेकर फिल्म मेकर्स बहुत ही ज्यादा डाउट में थे, जिसके कारण उन्होंने इसकी अर्लिंग स्क्रीनिंग रखी थी ताकि वो इसकी एक अल्टरनेट एंडिंग डिसाइड कर पाए, लेकिन उन्हें ये सीन इतना पावरफुल लगा कि उन्होंने मूवी के अंदर इस सीन को रखने का फैसला किया। उनके हिसाब से इस सीन से ये बात कन्वे हो रही है कि हिकअप ने अपने पैर को खोकर बदले में बहुत कुछ पाया है।
पहली मूवी का साउंड ट्रैक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है और तीनों मूवीज के इंटायर साउंड ट्रैक को इंग्लिश म्यूजिशियन जॉन पोवेल ने क्रिएट किया है, जो इससे पहले जेसन बॉर्न सीरीज और सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी मूवी के अलावा ड्रीमवर्क्स के कई सारे एनिमेटेड फ्रेंचाइजीज में भी अपना म्यूजिक दे चुके हैं। वैसे पहली मूवी का म्यूजिक इतना ज्यादा धमाकेदार था कि इसके ओरिजिनल साउंड ट्रैक रोमांटिक फ्लाइट को 2011 के ऑस्कर्स की बेस्ट ओरिजिनल स्कोर को डिक्लेयर करने के दौरान चलाया गया था, जिसमें इस सीरीज का साउंड ट्रैक भी नॉमिनेटेड था। वहीं पर दूसरी ओर 2012 की ओलंपिक्स में इंग्लिश फ्रीस्टाइल ड्रेसेज चैंपियन शार्लेट डुजार्डन ने कॉम्पिटिशन के दौरान इस म्यूजिक का इस्तेमाल किया था। इस मूवी ट्रिलॉजी के डायरेक्टर डीन डेब्लॉयस ने दूसरी मूवी के अंदर वोल्का के रोल को स्पेशली केट ब्लैंचेट के लिए ही लिखा था और पहली मूवी के ऑस्कर कैंपेन के दौरान ही इस रोल के लिए उन्होंने केट ब्लैंचेट से बात की, जहां पर उन्होंने इस रोल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि केट ब्लैंचेट के तीन बच्चे पहली मूवी के बहुत बड़े फैन बन गए थे। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 मूवी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की पहली मूवी बनी जिसने ड्रीमवर्क्स के दो नए एनिमेशन प्रोग्राम्स प्रेमो और टॉर्च का इस्तेमाल किया, जो बेसिकली स्टबल फेस मूवमेंट्स और मूवी के स्मूथ स्किन सिमुलेशन में काम आया, जो इस मूवी के आने के बाद की ड्रीमवर्क्स की एनिमेटेड मूवीज में इस्तेमाल होता है। वैसे इससे पहले ड्रीमवर्क्स अपने ही बनाए अपोलो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया करता था, जिसमें प्रॉब्लम यही थी कि एक एक छोटी छोटी मूवमेंट के लिए उसमें न्यूमेरिकल इनपुट डालने पड़ते थे और चीजें रेंडरिंग के बाद ही समझ में आती थी कि चीजें सही ढंग से हुई हैं या उनमें कोई बदलाव करना है। वहीं पर ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से रिगिंग के प्रोसेस के दौरान ही सब कुछ सेट करने में हेल्प करता है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी ट्रिलॉजी हॉलीवुड की पहली ऐसी ट्रिलॉजी है जिसके तीनों अलग अलग मूवीज को अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें सबसे पहले इसे रिलीज किया पैरामाउंट पिक्चर्स ने, क्योंकि 2006 में पैरामाउंट ने ड्रीमवर्क्स को एक्वायर कर लिया था। वहीं पर 2008 आते आते ड्रीमवर्क्स ने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टूडियो सेट करने के लिए इंडिया के रिलायंस कंपनी के साथ $1.5 बिलियन की डील सेट की, जिसके कारण दूसरी मूवी को रिलीज करने का जिम्मा 20th सेंचुरी फॉक्स ने उठा लिया। वहीं पर 2016 में ड्रीमवर्क्स ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का पार्टनरशिप कर लिया, इसीलिए हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 3 यूनिवर्सल पिक्चर्स के अंदर रिलीज हुई। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये कहानी क्रिसिडा कोवेल की कहानी पर लूजली बेस्ड है, वेल ये इतना लूजली बेस्ड है कि कुछ कैरेक्टर्स बुक्स का हिस्सा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रेड, जो मूवी के अंदर शुरुआत में हिकअप के लव इंटरेस्ट के रूप में बनाई गई, जिसे मूवी में आगे जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फीमेल वाइकिंग के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी ट्रिलॉजी के कुछ अल्टरनेट प्लान्स के बारे में। तो पहले सेकंड मूवी के अंदर हिकअप की माँ वाल्का को एक विलन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाना था। वहीं पर इस मूवी के विलन ड्रैगो को थर्ड मूवी के अंदर यूज किया जाना था। वहीं पर थर्ड मूवी में गूबर टूथलेस के हमले से मरने वाला था, लेकिन जब गियर्मो डेल तोरो ने इसकी कहानी पढ़ी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पर हिकअप के पिता स्टोइक को मारना ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा और इसी से हिकअप की लेगेसी आगे बढ़ पाएगी। अब चलिए बात करते हैं पूरे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फ्रेंचाइजी की। तो अगर आपको भी लगता है कि ये फ्रेंचाइजी सिर्फ और सिर्फ तीन ही मूवीज तक लिमिटेड है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि इन तीन मूवीज के अलावा भी इस पर 5 शॉर्ट फिल्म्स और ड्रीमवर्क्स ड्रैगन्स और ड्रीमवर्क्स ड्रैगन्स रेस्क्यू रेडर्स नाम की 2 टीवी शोज भी आ चुकी हैं। साथ ही साथ इसका अपना लाइव स्टेज शो भी है जिसका नाम है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन लाइव स्पेक्टेकुलर। इसे ग्लोबल क्रिएचर्स कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है और इस प्ले के अंदर 24 एनिमेट्रॉनिक ड्रैगन्स को भी क्रिएट किया गया है, जिसमें से एक टूथलेस भी है। इस शो को 2012 में पहली बार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर किया गया था और इसे फाइनली 2014 में चाइना में प्रीमियर करने के बाद कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा इस सीरीज पर 12 वीडियो गेम्स भी आ चुकी हैं, जो ऑब्वियसली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुकी हैं। और अगर इन सब से आपका मन न भरे तो इसकी कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स भी पढ़ लीजिए, जहां पर 2014 से लेकर 2016 तक इसकी 9 कॉमिक सीरीज पब्लिश हो चुकी हैं। वहीं पर 2016 में इसकी ग्राफिक नॉवल हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन द सर्पेंट्स हेयर भी पब्लिश हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी सीरीज के अचीवमेंट्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें क्रिटिकली, तो पहली मूवी ने $165 मिलियन की बजट पर लगभग $495 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। वहीं दूसरी मूवी और भी ज्यादा फायदेमंद रही, जहां पर $145 मिलियन की बजट पर इसने $621 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। वहीं पर तीसरी मूवी ने $129 मिलियन की बजट पर $519 मिलियन कमाए। क्रिटिकली अगर बात करें तो तीनों की तीनों मूवीज ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हैं,
जहां पर पहली मूवी को बेस्ट एनिमेटेड फीचर और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर दोनों के लिए नॉमिनेट किया गया था। वहीं पर इसकी आगे की दो बाकी मूवीज को बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये मूवीज कोई भी ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई। लेकिन वहीं पर दूसरी मूवी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की पहली मूवी बनी जिसने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ट्रिलॉजी फैक्ट्स। इस मूवी के डायरेक्टर डीन डेब्लॉइस ने सेकंड मूवी के दौरान ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि थर्ड मूवी हिकअप की फाइनल कहानी होगी, लेकिन अगर स्टूडियो का आगे मन हुआ तो वो इस मूवी का एक रीबूट लेकर आ सकते हैं जो बेसिकली किसी और प्रोटैगनिस्ट पर ही फोकस करे। एनीवे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए कौन कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। मुझे ऑब्वियसली बुक्स और मूवीज के बीच में डिफरेंसेस के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगर आप हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।